सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे, इसलिए मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मोदी जी को और उनकी सरकार को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने उन्नति की है, प्रगति की है, जिस प्रकार से नव भारत का निर्माण लोगों ने अपने आँखों से देखा है, गरीब कल्याण का एजेंडा जिस प्रकार से देश के भीतर आज लागू हुआ है और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने का काम जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संतुष्टि उनके प्रति देश में दिखाई पड़ती है। और विश्व के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आज मोदी जी उभरे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए एक सम्मान की बात है। आज राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। हमें बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने आज महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया। महाराष्ट्र से, इससे पहले भी वो महाराष्ट्र से ही यहाँ पर सांसद रहे हैं, फिर एक बार उन्होंने महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया है, ये हम अपने लिए बहुत सम्मान की बात मानते हैं। साथ साथ किसान नेता और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हुए डॉक्टर अनिल बोंडे जी, जो MBBS डॉक्टर है लेकिन किसानों के नेता है, उन्होंने भी पर्चा भरा है। और तीसरे पूर्व में सांसद रहे और सहकारिता के क्षेत्र में जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे मुन्ना जी महाड़िक कोल्हापुर के, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्चा भरा है। हमें विश्वास है कि हमारी तीनों सीटें चुनकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली फिर एक बार 3 सांसद महाराष्ट्र से भारत की राज्यसभा में भेजेगी। महाराष्ट्र के जादू आंकड़ा कैसे लग रहा है सर, लगातार इससे खरीद फरोख्त बढ़ेगी और जानबूझकर सातवां कैंडिडेट उतार करके? देखिए, खरीद फरोख्त का तो कोई विषय नहीं, हम तो करते ही नहीं है। अगर उनको डर लगता है तो उनका कैंडिडेट वापस ले ले वो, क्योंकि हमारा तो चुनकर आने वाला, हमारे 3 थे, हम वापस 3 भेज रहे हैं हमारे, तो इसलिए अगर उनको डर है तो उन्होंने वापस लेना, हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। भाई साहब देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए, जो स्ट्रेटेजी करते हो मीडिया में नहीं बोलते,